हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो छोटा सा एक क्वेश्चन लेके आए हैं घन के रिलेटिव, जो रेलवे के एग्जाम में है वो पूछा गया है और आगे जो एग्जाम है उनमें पूछा जाएगा। तो इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो अपने को क्वेश्चन है रेलवे में किस टाइप का क्वेश्चन आया था वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ, और इसी तरह क्वेश्चन है वो आगे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 है तो घन का आयतन ज्ञात करो। तो अब अपने इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यानी घन की सभी भुजाओं का योग दिया हुआ है और अपने को घन का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना होगा, घन की भुजा ज्ञात होनी चाहिए, तभी अपना क्वेश्चन है वो सोल्व होगा। अब देखो घन की स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं 3D की बात, सभी बच्चों को आती होगी। एक बॉक्स यहाँ पे बना लिया, एक थोड़ा सा इसके ऊपर कर लिया, दोनों के इनके जो त्रिकोण है उनको जोड़ लिया, ये अपना क्या बन गया, एक 3D स्ट्रक्चर बन गई किसकी, घन की। अब इसमें क्या है, घनों की भुजाओं का योग कितना है, 48 है। अब सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि घन की भुजाएं कितनी होती है। घन की जो भुजाएं, अपने अगर फलक की बात करें तो घन के जो फलक होते हैं वो 12 होते हैं। अब कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अब मान लो जो ये चीज होती है ना, ये उसके फलक होते हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये कितना हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, नाइन हो गया और टेन हो गया, ठीक है, टेन हो गया तो इलेवन और ट्वेल्व हो गए, ये तो दोनों पहले का, यानी टोटल भुजाएं कितनी होगी अपनी, 12 होगी। अगर सभी भुजाएं अगर x मानूं तो टोटल कितनी होगी, 12x। इनका योग कितना है अपना, 48 दिया हुआ है, यानी जो घन है उनके टोटल फलक कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है, फलक 12 होते हैं। तो यानी इसका मतलब अपने भुजाएं मान सकते हैं, भुजाएं कितनी होगी, 12 होगी। सभी भुजाओं का योग अपने को कितना दिया हुआ, 48 दिया। तो सबसे पहले अपने को इसकी एक भुजा का मान पता होना चाहिए, तो यानी x इजकल टू 48/12, यानी x का मान कितना हो गया अपना, 4 सेंटीमीटर। यानी जो प्रत्येक फलक है उसकी जो भुजाएं उसका जो मान है वो कितना आया अपना, 4 सेंटीमीटर इसका मान आ चुका है। अब अपने को ज्ञात करना है घन का आयतन, घन का आयतन, यानी सभी बच्चों को अगर पता है कि घन का आयतन क्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि घन का आयतन कितना होता है। मैं वेट कर रही हूँ कि बच्चों के कमेंट आने चाहिए कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, याद होना चाहिए क्योंकि ये सभी एग्जाम सभी जो क्लासे हैं उनमें पूछा जाता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो बच्चे स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनको जितने भी मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह माइंड में फिट होने चाहिए, तभी वो क्वेश्चन है सोल्व कर सकते हैं। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की क्यूब, यानी भुजा कितनी है, 4, 4 की क्यूब कितनी होगी, 3, यानी 4 × 4 × 4 कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर की क्यूब। यानी घन का जो आयतन है वो कितना आ गया अपना, 64 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है बच्चों, ये आ गया घन का आयतन, ये हो गया अपना घन का आयतन। अगर मान लो यही क्वेश्चन सेम है और इसमें आयतन की जगह घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आप कैसे ज्ञात करोगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मान लो क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था रेलवे में, अगर यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए और आयतन की जगह वो क्या पूछ ले, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वो पूछ ले, तो वो अपने कैसे ज्ञात करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो क्या फॉर्मूला होता है वो सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो उसका आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि घन का अगर अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वो कितना आएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं फॉर्मूला लिखाती हूँ, 6 × भुजा की स्के, ये फॉर्मूला है, इसका जो आंसर है मान फुट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका आंसर कितना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।